एडवाइस करूंगा, सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करो, जल्दी उठ के जॉब पे जाया करो। साले लोग सोचेंगे चोरी करके भाग रहा। इनके बीच में और वहां पे भी दो चार खड़े हैं, उनके बीच में लड़ाई हो रही है अभी। कभी ये ना लड़ाई साली हो इनकी रही हो, फिर से हम मुझे और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया। How the fuck can I forgot you guys? So hey guys, good afternoon, good morning, good evening, welcome. आपको एक बार फिर से भी दुनिया में, hope you all are doing कल से बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया। अंधेरी वैली यहाँ पर तो देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये हमारे घर का ही हिस्सा है, जैसे पता नहीं केड़ा भूत कर दूंगा मैं। तो मुझे बच्चों के सुबह के 6 और आज हम एक बहुत ही प्यारी जॉग के बाद आ चुके हैं वापस। आज मैंने वॉकिंग से थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो मैं सोचा थोड़ी सी रनिंग करूंगा, थोड़ी सी जॉगिंग करूंगा, जो काफी सक्सेसफुल रहा। पसीना भी आया जो मैंने साफ भी कर दिया, क्योंकि एज यूजल कोई भी नहीं चाहेगा भी हाँ उसके ब्लॉग में उसका चेहरा टम 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 दिखे। वैसे चश्मे काफी शाइनिंग बना दे, लेकिन बिना चश्मे के देखो कितना अजीब सा लगता हूँ। लेकिन चलो कोई ना, जो भी है जैसा भी है ठीक है, शक्ल तो परमात्मा के ऊपर है, हम इंसानों के हाथ में क्या है, प्लास्टिक सर्जरी। तो अब इसी नोट पे शुरू करते हैं आज की जर्नी, आज की एडवेंचर लेते हैं आज के दिन से एक नया एक्सपीरियंस। एक चीज का एहसास मुझे सुबह जल्दी उठने से जरूर हुआ है, वो चीज है टाइम। भाई आप लोग मानोगे नहीं, अभी तक जितनी आपने वीडियो देखी है उस हिसाब से 2.5 मिनट हो चुके हैं। मतलब 5 बजे मैं उठा, अभी 6:15 बज रहे हैं, 1.25 घंटे में मेरे को 2.5 मिनट का व्लॉग मिल गया। और क्या चाहिए तुम लोगों को। और वैसे भी अगर हम नॉर्मल दुनिया के टाइम के हिसाब से देखें तो मेरे को दिन के 2-3 घंटे एक्स्ट्रा ही मिल रहा है, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। सुबह सुबह उठ के एक तो तुम्हारे माइंड को जो बूस्ट मिलता है ना, भी आ रहे ब्लॉग करना ये करना, मतलब एक टाइम से ना कॉन्टेंट एक्सप्लोर हो जा तो काफी कंफर्टेबल रहता है यार सुबह सुबह ब्लॉग करना। मैं भी ये एडवाइस करूंगा, सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करो, जल्दी उठ के जॉब पे जाया करो, वॉक पे जाया करो, कुछ ना ऐसा जल्दी उठ जाया करो, तुम्हें दिन के 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं एंड टाइम इज मनी। के चक्कर में एक भी सही से नहीं डाला, लेकिन चलो कोई ना, अभी और आ गया तो और काट के और डाल देते हैं। बैठा था भी बंदर आ जा, और वहां पे भी बैठे हुए हैं, पूरी जगह हो ही गए, सबको मिल गए ना। ये देखो ये सबसे खतरनाक है, सबका दादा है ये, मेरे को तो डर ही लग रहा है कि यहां से ना आ जाए। इनिशियली तो मैं ये वाली शर्ट डालने वाला था क्योंकि मैं अभी निकल रहा हूँ कॉलेजेस के लिए एडमिशनों का पता करने के लिए, फिर मैंने सोचा कि यार मैं क्या जॉब इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, फक इट, मैं तो आराम से क्लमजी से क्लोथ्स डाल के जाऊंगा, होप सो वो कॉलेज से ना निकालने। वैसे क्यों निकालेंगे, सारे कॉलेज में ऐसे ही तैयार होते हैं मेरे हिसाब से, मेरी बहन ने तो मेरे को यही बताया था। ऑब्वियसली बात है मैं वहां पे व्लॉग नहीं करूंगा, मैं चाहता कि मैं प्रिंसिपल के मुंह के सामने ऐसे कैमरे रखूं, हां जी बताइए अपने कॉलेज के बारे में, दैट वुड बी वे मच वियर्ड। लेकिन मैं रस्ते का व्लॉग जरूर करूंगा, थोड़ी बहुत राह दिखाऊंगा, पूरी भी नहीं दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि अगर मेरा फ्यूचर में चैनल ब्लो अप करता है तो तुम लोग मेरे कॉलेज आओ और मेरे प्रिंसिपल को कहो कि जी हाँ हमें उदय का नंबर निकाल के दिए और मेरे को बार बार कॉल आए कॉल आए कॉल। लेकिन मैं सड़क का मोन्टाज और राह का मोन्टाज जरूर दिखाऊंगा, पूरा नहीं दिखाऊंगा लेकिन हाँ पार्शल पार्शल, चंडीगढ़ की ब्यूटी तो दिखाना बनता ही है अगर तुम चंडीगढ़ में रह रहे हो।
4:37 इन द इवनिंग जस्ट वोक अप फ्रॉम द बेस्ट नैप आई एवर हैड इन अराउंड 6 days. हाँ, 6 दिनों से ना इतनी मस्त नींद नहीं आ रही जितनी आज रही हो. घोड़े बेच के सोया, जैसे ही स्कूल वगैरह देख के घर आया ना, बस दुड़ूम देख के सोया और अब उठा. अराउंड मैं आ गया था, 9 बजे निकला था, 1 बजे के करीब आ गया था. हाँ, फिर मैं सो गया और अब 4.5 घंटे सोया. और कॉलेज का तो मैंने देख लिया यार, कॉलेज जाना पड़ेगा, जिस हिसाब की मेहनत करनी पड़ेगी ना. मेरा तो मन कर रहा है कि 1 साल ड्रॉप आउट ही मान लूं, लेकिन चलो कोई ना. अब उठते हैं, देखते हैं कि कुछ खाने को है या नहीं, क्योंकि भूख बहुत ही ज्यादा लग रही है. कि पिछला शॉट देखने बाद बहुत सारे मैगी लवर्स मेरे को हेट करेंगे क्योंकि मैंने पानी बहुत ज्यादा डाल दिया, लेकिन इट वॉज ओनली फॉर ब्लॉग पर्पस. कोई भी बंदा उस चीज को अपने दिल पे ना ले. मैं भी मैगी कम पानी वाली पीता हूँ, हाँ ठीक वो पानी, लेकिन मेरे से भी थोड़ा ज्यादा, मेरे को खाने में हलवा हलवा वाली फीलिंग है. तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट. तो अब शाम के 6:30 बज चुके हैं, हमारे पास दिखाने को कुछ बचा नहीं, आप लोगों के पास देखने को कुछ नहीं बचा, तो हम क्या करते हैं? ऑब्वियसली बात है, व्लॉग ही एंड करेंगे, क्योंकि फालतू में व्लॉग खींचने का कोई फायदा नहीं है. देखो तुम्हारी वॉच टाइम तो बढ़ जाती है, लेकिन यार अगर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ना हो फिर क्या फायदा. तो अब इसी नोट पे करते हैं आज की वीडियो को एंड. उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी. अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. कल फिर मिलेंगे एक नवी जर्नी, एक नवे एडवेंचर, एक नवे एक्सपीरियंस के साथ. टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल. अभी तो मेरे को लगता है मेरा इंट्रो और आउट्रो ना ब्लॉग से भी ज्यादा बड़ा है.